अपना कुछ सामान गिरवी रख देंगे, गिरवी रख के मेरे बच्चा का बर्थडे करेंगे, क्योंकि अभी बहुत हालत मेरा खुद का ख़राब है। हम लोग किसी से उधारी उधारी लेंगे और उसके बाद ही जाके हम बर्थडे कर पाएंगे, नहीं तो देखेंगे नहीं होगा तो कुछ सामान गिरवी भी रख देना, क्योंकि बेटा के लिए इतना तो बनता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को मेरा बेटा बोले कि तुम हर टाइम तानिया को की हो, मेरे बर्थडे कब की हो। बचपन से उसका बर्थडे अच्छे से नहीं मनाया, तानिया का बहुत अच्छे से बर्थडे हम लोग मना लेते लेकिन गणेश का नहीं मनाए। हम नहीं चाहते कि कल को मेरे बेटी से नफरत करें, हमसे नफरत करें, उसको पापा से नफरत करें। तो इसलिए सोच समझ के अगर पैसा, अगर कोई मतलब उधारी मांगने से भी नहीं मिलता है किसी, होता ना बहुत सारे लोग के पास पैसा नहीं होता है, तो इसीलिए तो सो ही गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सबको गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के मतलब 12 बजे रहूँगे शायद, मतलब टाइम नहीं देखे फिर भी अंदाज़ा बता दे रही। तो मैं आज हम लोग फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा था ना, आज फ्रिज को पूरा सफाई कर रहे मैं और मेरे हस्बैंड, तो देख सकते हो यार अभी टूट गया गाइस। देखिए खरीदने कितना महंगा पड़ता लेकिन टूट तुरंत ही प्लास्टिक चीज़ टूट जाता है, पता नहीं क्या लगा है। और ये देखिए हमारा मिक्सर का हालत देखिए, लग रहा है कि एक साल से सफाई नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ 1.5 महीना से सफाई नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इतना सारा काम करते 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 सबको ध्यान ही भूल के, सब पोछा पोछी भी नहीं करते थे, सब छोड़ दिए हैं। तो पता है अलमारी के ऊपर में भी बहुत ईटा वटा गिरा हुआ, तो वो भी नहीं दिखा रहे हैं, तो देख सकते हो लैपटॉप का ये सब कीबोर्ड वीबोर्ड सब बाहर निकला हुआ है। और ये पता है गाइस क्या है, ये है फ्रिज में आगे में मतलब मंगाए थे, क्या बोलते हैं इसको, हमको पता नहीं, हस्बैंड से पूछ के बताते हैं। ए जी इसको क्या बोलते हैं, वॉलपेपर। हाँ वॉलपेपर है या फ्रिज का आगे में लगाने वाला डिजाइन वाला है। तो अभी इसको पोछा पोछी हो जाएगा ना, इसको लगाएंगे ना तो आप लोग देखिएगा, बहुत सुंदर से वॉलपेपर मंगाए थे, बहुत कम प्राइस में मंगाए थे। अगर जिसका भी फ्रिज ख़राब नहीं भी हुआ, मैं ऐसा डिज़ाइन तो मेरा है फूल वाला, लेकिन ये भी फूल वाला ही मंगाए, बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को दिखाएंगे। और इधर देखिए अभी हमको धोना है एक टब बर्तन, मतलब एक टब नहीं है थोड़ा ही सा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा शायद। और वाइटी यहाँ पे आराम कर रहा है, क्योंकि जहाँ हम लोग वहीं पे ये भी, यहाँ पे देख सकते हो सारा फ्रिज का सामान निकाला गया है, देख सकते इतना गंदा छी, कोई इसमें खाना ही ना रखे। और यहाँ हमारा फ्रिज साफ हो रहा है, अभी मैं इधर साफ कर देती हूँ, उधर भी साफ हो रहा है, साफ हो रहा है ना जी कि नहीं हो रहा, एक महीने से ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए इतना ज़्यादा बैठ गया यार, हम लोग देखे भी नहीं फ्रिज का हालत, देखो क्या बोले। आप सब बने रहो, जो होगा जैसा होगा आप सबको दिखाएंगे। तो गाइस पता है मैं ट्रीटमेंट की हूँ, मैं अपने बालों में मेरा ट्रीटमेंट का असर दिख गया, क्योंकि बाल हमारा बढ़ रहा है और बहुत काफ़ी अच्छा हो गया हमारा बाल पहले से, क्योंकि पहले तो बहुत बेकार लगता था, अभी तो ट्रीटमेंट के बाद मेरा बाल इतना सुंदर हो गया ना क्या बोले। लेकिन बाल झड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं झड़ेगा, बाल जितना भी हो झड़ता है। तो हमारा बाल देखिए ना सुंदर है, पहले से ज़्यादा बड़ा भी हो गया, अच्छा भी लगता है, और मैं ऐसे जुल्फ निकलता तो और क्यूट लगती हूँ मैं। तो चलिए आप सब बने रहो, जो होगा जैसा होगा आप सबको दिखाएंगे। मैं चढ़ा दूँगा ऊपर, नहीं आएगा बेटी बटे, तो फाइनली सिमल रानी मेरे दोनों बच्चे आ गए और मेरा घर पूरा चांद 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 क्या बोलते उसको चांद नहीं फूल बाहर आ गए, यानी कि इतना अच्छा लग रहा है ना अभी आ गया, साथ इतना सारे लोग देखेंगे। अब हम लोग कहीं पर भी दोनों में अभी जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो सबसे पहले डोगी था, डोगी को छोड़ के कहीं जाने नहीं सकते थे हम लोग, तो इसीलिए। और फ्रिज भी साफ हो गया, फ्रिज में अभी कवर भी लग गया, कितना अच्छा दिख रहा। तो आप लोगों को चलिए हम लोग को बच्चे से मिलाएंगे और रानी और शिमल से मिलाएंगे और चलिए दिखाएंगे। तो आईटी क्या कर रहा है तू बाहर में, हाँ चलो चलो अंदर। तो मैं फोन में देखो ना क्या साइड साइड में ये दिखता है बॉर्डर जैसे।
तो देखो कंप्लीट हो गया पूरा, शायद में भी कवर लग जा रहा है, ऐसे ही लगा दे रहे हैं। अब नहीं, अब देखो ऑनलाइन मिलता है तो दूसरा भी हम लोग लगा सकते हैं फिर से इसको हटा के, तो खास तो नहीं लगा। और ये देखो हमारा डांसर बाबू कैसे डांस करता है, बेटा कैसे डांस करता है, मेरे बाप बेटा को डांस नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता रे तू डांस, दांत इसका तो ये टूट गया है, दांत दिखा, ये कर दे करना, पहले दो आगे का गायब हो गया था अब फिर साइड का गायब, दिखाओ ये करो ना, ये देखो हम कर रहे, मेरा भाई आ गया और आते साथ बेड पकड़ लिया कोरोना जैसे, देखा देखो इसका दांत टूट गया, 8 साल आज 8 साल हो जाएगा परसों 23 पिछली बार तो ही गए थे, क्या होगा पता नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है, तो तभी क्या बताया फोन में, हम जाएंगे बर्थडे में, पानी में ऐसे वीडियो बनाएंगे ना, तो गाइस मिल लिए, तो गाइस मैं एक जरूरी आप लोगों को सूचना देना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि 23 जनवरी को मेरा बेटा का मतलब गणेश का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, और इस टाइम मेरा हालत बहुत ख़राब है और अमाउंट मतलब पैसा नहीं है, जितना पैसा था हम घर पे लगा दिए और अभी गेट उठ के लिए भी सारा पैसा हम दे दिए हैं और अभी बर्थडे के लिए पैसा नहीं है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि मेरा बोलते हैं ना कि एक का बर्थडे किए दूसरा का बर्थडे नहीं करेंगे तो दूसरे पर असर होता है, जैसे कि अगर हम लोग जैसे तानिया का कर लिए, अगर बेटा का नहीं करेंगे हम लोग तो बेटा मन में मेरे ही लिए गलत सोचेगा, वो चीज़ हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहीं मेरा बेटा मेरे को गलत ना सोचे, तो इसीलिए हम अभी मतलब देखते हैं कहीं से पैसा वैसा जुगाड़ करते हैं, जैसे कि अभी 8 दिन ये लोग नहीं था तो 8 दिन हम लोग बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं, अभी गेट बनवाने दिए हैं जैसे लोहा हुआ का गेट जैसे बन रहा, लोहा का खिड़की बनेगा मतलब सब कुछ होकर, मतलब सिर्फ अभी गेट लग जाने के बाद प्लस्तर होगा, प्लस्तर को तो अभी इस महीना पेमेंट आएगा तो उसी पेमेंट से हमारा हो जाएगा घर, जो पहले का जितना पैसा था सब लगा चुके हैं, अब अकाउंट पूरा खाली है, आपको पता है बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे कि मेरे पास पैसा, उन लोगों को लगेगा मेरे पास पैसा है लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, रियल में सच बता रही हूँ आप लोगों को, तो बस मैं इस चीज़ का ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे लूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं जैसे कि मेरा आईफोन है, आईफोन मैं सोच रही हूँ गिरवी में दे दूँ कुछ दिन के लिए, और ऐसे भी फ़िलहाल उसमें वीडियो नहीं बनाते तो अभी फ़िलहाल हम दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को जज कर पाए कोई भी, है ना, तो बस यही बात है और कुछ नहीं, तो और आपको तो पता है वो उधर तो ही बनना आधा से आधा रुक गया बनते बनते पूरा, तो कैसे लगा हमारा ब्लॉग बताइए कमेंट करके, क्या बोला रे, तो गाइस देखो हमारे वाईफाई का हालत क्या हो गया, देखो हमारा वाईफाई टूट गया, अब हम लोग कैसे डाटा चलाएंगे, सब खत्म हो जा रहा धीरे धीरे, किसकी नजर लग गई मेरे को।